अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे केमिस्ट्री पास्ट ईयर पेपर्स के बारे में। ठीक है, जो इससे पहले टेस्ट हैं उनके अंदर जो क्वेश्चंस आए थे वो मैं आपके लिए कलेक्ट करके लाया हूँ, और आज की इस वीडियो में हम इनको डिस्कस करेंगे। और याद रखें कि दीज MCQs आर फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, जो चैप्टर है सेकेंड ईयर में आप लोग पढ़ते आ रहे हो अल्काइल हैलाइड्स के बारे में, ये उस चैप्टर के MCQs हैं सिर्फ। और मैं आपको साथ साथ ये बताता चलूँ कि इफ़ यू आर स्टूडेंट ऑफ FSC एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर MDCAT, ECAT, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर KPPSC या FPSC, या इवन इफ़ यू आर लुकिंग फॉर MCQs दैट वुड बी मोर रेलिवेंट इन NTS टेस्ट, सो दिस वीडियो वुड बी मोर हेल्पफुल फॉर यू। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। ठीक है, सो फर्स्ट हमारे पास MCQs हैं, दोज आर फ्रॉम द ईयर 2011। The first MCQ is when purely alcoholic solution of sodium potassium hydroxide, sodium या potassium hydroxide and haloalkanes are reacted to alkenes is formed. इसमें से आपसे पूछ रहे हैं कि अगर आपके पास कोई haloalkanes है, ठीक है, या आपके पास लेट से कोई haloalkane है जिसके अंदर आपने haloalkanes कौन से होते हैं, जिनके अंदर हेलोजन एटम अटैच्ड होते हैं हाइड्रोकार्बन के साथ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप क्लोरिन अटैच कर दो, दिस इज नॉन एज हेलो अल्केन्स या हेलोजन अल्केन इनको बोलते हैं। अब होता है क्या है कि जब कभी आपके पास कोई न्यूक्लियोफाइल आता है, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल ने क्या करना है, इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करना है। हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करने के बाद ये जो बॉन्ड है इधर शिफ्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, जो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर डबल बॉन्ड यहाँ पे बीच में बना देते हैं तो कार्बन 5 बॉन्ड बनाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इस इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ से क्लोरीन जो है वो बाहर निकल जाता है। जब क्लोरीन बाहर निकलेगा तो हमारे पास फॉर्मेशन किस चीज़ की होगी, फॉर्मेशन ऑफ अ डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एटम, और हमारे पास अल्कीन्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। साथ में हमारे पास क्या होगा, H, और यहाँ से क्या आपके पास Cl जो है वो बाहर निकल जाएंगे। सो ये आपके पास जो रिएक्शन है, जनरल रिएक्शन अगर हम देखते हैं, सो दिस इज़ द एलिमिनेशन रिएक्शन, जहाँ पर आपके पास आप क्या चीज़ एलिमिनेट कर रहे हो, जो हेलोजन एटम है इसको आप एलिमिनेट कर रहे हो। एलिमिनेट करने के बाद क्या हो रहा है, हमारे पास एक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है जिसको हम एलिमिनेशन प्रोडक्ट कहते हैं। ये आपके पास क्या है, अल्कीन्स की फॉर्मेशन कर रहा है। यही चीज़ आपसे इस पहले क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है, होप्स आपको समझ आ गई होगी। ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड का मतलब है कि जब आपके पास एक कार्बन है और उसके साथ 4 क्लोरीन एटम अटैच्ड है, ठीक है, दिस इज नोन एज कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये कहते हैं इसको किस लिए यूज़ किया जाता है, इट इज़ यूज एज एन ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेंट के तौर पे इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास 2012 के MCQs हैं, ठीक है, ये आपके पास क्या कहते हैं, द अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ ब्रोमोइथेन शोन बिलो गिव्स अल्कोहल एज प्रोडक्ट। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, दिस इज द ब्रोमोइथेन, ठीक है, दो कार्बन आइटम है तो इथेन है, ब्रोमिन अटैच है, सो दैट इज वैट इज नॉन एज ब्रोमोइथेन। इससे आपके पास क्या बन रहा है, फॉर्मेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल, द रिएजेंट एंड द कंडीशन यूज्ड इन दिस रिएक्शन में भी। आपसे ये पूछ रहा है कि इसके अंदर कौन कौन से रिएजेंट जो हैं वो ऐड किए जाते हैं और कौन सी कंडीशंस दी जाती हैं इस रिएक्शन को कैरिड आउट करने के लिए। सो इसका जो हमारे पास राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इस रिएक्शन को क्या कर दिया जाता है, हीट कर दिया जाता है। सो हमारे पास क्या बनेगा, इथाइल अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट हमारे पास है इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, डाई हेलो अल्केन्स आर सेकेंडरी हेलोजनेशन गिव। अगर हम सेकेंडरी हेलो अल्केन की बात करते हैं तो हमारे पास वो कौन से मैकेनिज्म के थ्रू मूव करते हैं या कौन से मैकेनिज्म देते हैं, दैट इज़ बोथ SN1 एंड SN2 रिएक्शन। ठीक है, मैं आपको सेकेंडरी का बता देता हूँ। पहले हम प्राइमरी की अगर हम बात करते हैं तो प्राइमरी में आपके पास क्या होता है, अगर ये कार्बन डायरेक्टली इसके साथ लिंक्ड है और ये मजीद एक कार्बन या नो कार्बन के साथ अटैच्ड है तो ये आपके पास क्या होगा, दिस वुड बी द प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। लेकिन अगर आपके पास ये कार्बन हेलोजन के साथ अटैच्ड है, इसके साथ मजीद एक कार्बन यहाँ पे भी अटैच्ड है और यहाँ पे आपके पास पूरी लंबी चेन है, आर बेशक लगा दें, यहाँ पे भी आर लगा दें, आर मीन्स कोई भी अल्काइल ग्रुप, सो ये जो कार्बन होगा दिस वुड बी द सेकेंडरी। इसी तरह अगर आपके पास कार्बन आइटम है दैट इज़ अटैच्ड विद द फंक्शनल ग्रुप हेलोजन, एंड इफ दिस कार्बन इज फर्दर अटैच्ड डायरेक्टली विद 3 अदर कार्बन आइटम्स, सो दिस हेलो अल्केन या इस जो आपके पास अल्काइल हैलाइड है इसको हम क्या कहेंगे, दिस वुड बी द टर्शियरी अल्काइल हैलाइड।
अब यहाँ से आपसे पूछ रहा है सेकेंडरी के बारे में, ये जो आपके पास अल्काइल हैलाइड है ये कौन से मैकेनिज्म देता है। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड हैव द प्रॉपर्टी दैट इट कैन गिव बोथ SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। अब जो टर्शरी है ना, ये जो मैंने आपके सामने यहाँ पे लिख दिया है, दिस इज अ टर्शरी अल्काइल हैलाइड, इसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि इट गिव्स ओनली SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म। उसकी वजह क्या होती है कि जब आप इसको आयोनाइज करते हो फर्स्ट रिएक्शन में, जो कि स्लो स्टेप है, तो आपके पास क्या बनेगा, यू विल गेट अ कार्बो केटाइन, ठीक है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा ऐसे। अब ये जो कार्बो केटाइन है इसको स्टेबलाइज कर लेते हैं अल्काइल ग्रुप्स। सो ये हमारे पास टर्शियल अल्काइल हैलाइड ऑलवेज गिव यू SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म। अगर हम प्राइमरी की बात करते हैं तो वो सिर्फ SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म देता है, लेकिन अगर हम सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड की बात करेंगे, सो इट हैव द प्रॉपर्टी टू गिव बोथ SN1 एंड SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म। नेक्स्ट हमारे पास है द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड टुवर्ड न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो अल्काइल आयोडाइड जो है ज़्यादा रिएक्टिव होता है, फिर अल्काइल ब्रोमाइड थोड़ा सा कम, RCl उससे कम और RF सबसे कम। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी फॉर दिस MCQ। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट MCQ, ये हर जगह पर रिपीट हो रहा है। कंसीडर द रिएक्शन गिवन बिलो, विच स्टेटमेंट इज ट्रू। आपके पास एक रिएक्शन गिवन है, आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। सो यहाँ से आप इसको अगर देखो, सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, रिएक्शन टू इज एलिमिनेशन। जैसे हम MCQ नंबर 1 के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ से अगर हम ब्रोमीन को रिमूव करते हैं, यहाँ से एक हाइड्रोजन जो है उसको रिमूव करते हैं, ठीक है, इसको हम यहाँ से काट देते हैं, ये भी यहाँ से अगर लेट से काट देते हैं, यहाँ से होगा क्या कि एच और Br दोनों रिमूव हो जाएंगे, तो बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, जो कि आपको यहाँ पे बता रहा है डबल बॉन्ड बन रहा है। सो यहाँ पे ब्रोमीन जो है वो एलिमिनेट हो रहा है, हाइड्रोजन यहाँ से निकल रहा है, सो दिस इज रिएक्शन टू इज एलिमिनेशन रिएक्शन, ये इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास जो है द हेलोथेन यूज्ड इन हॉस्पिटल्स एज एन एनेस्थेटिक इज केमिकली। अगर हेलोथेन की हम बात करते हैं, जो कि जिसको हम यूज़ करते हैं एज एन एनेस्थेटिक, सो वो आपके पास क्या होता है, सो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 2-bromo-2-chloro-1-1-1-trifluoroethane। अगर मैं आपके सामने इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ, सो इट वुड बी लाइक दिस, इथेन है तो इसका मतलब है वी हैव ओनली 2 कार्बन एटम्स। अब पहले कार्बन की प्रो बता रहे हैं 2 पे ब्रोमो है, ठीक है, तो आप यहाँ पे ब्रोमो लगा दो, यहाँ पे क्लोरो लगा दो, और 1 के ऊपर क्या है 1-1-1-fluoro, यहाँ पे फ्लोरिन लगा दें, यहाँ पे फ्लोरिन लगा दें, और ये आप यहाँ पे फ्लोरिन लगा दो, यहाँ पे क्या रह जाएगा, हाइड्रोजन रह जाएगा, हाइड्रोकार्बन है, तो हाइड्रोजन जो है इसकी वैलेंसी फुलफिल करने के लिए आप अटैच कर दोगे। सो दिस इज नोन एज हेलोथेन, या इसको 2-bromo-2-chloro-1-1-1-trifluoroethane भी बोलते हैं, और इट इज़ यूज्ड एज एन एनेस्थेटिक इन हॉस्पिटल्स। इफ हेलोजन एल्केन्स आर मिक्सड विद द एक्सेस ऑफ इथेनॉइक एमोनिया एंड हीटेड अंडर प्रेशर, एमाइन इज फॉर्म, ठीक है। अगर आप क्या करते हो, हेलोजन एल्केन लेते हो और उसको रिएक्ट कराते हो इथेनॉइक एमोनिया के साथ, तो आपके पास क्या बनेगा, एमाइंस की फॉर्मेशन होगी। अब इसमें कौन सी एमाइन बनेंगे, आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसका राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ये आपके पास इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है, आपके पास जब रिएक्ट कराओगे ये है इथाइल ब्रोमाइड, इसको आपने एमोनिया के साथ रिएक्ट किया, रिएक्ट करने के बाद आपके पास क्या बनेंगे, एमाइन बनेंगे। आयोपिक नेम फॉर द गिवन कंपाउंड, आपने इसका क्या करना है, आयोपिक नेम बताना है। सो क्वेश्चन नंबर 9 के जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, और इसको 1-chloro-2-methyl-propane क्यों बोलते हैं, प्रोपेन का मतलब है 3 कार्बन एटम। सो अगर आप देखो, सो इसके अंदर आपके पास 3 कार्बन एटम है, दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, दिस इज कार्बन नंबर 3। कार्बन नंबर 1 के ऊपर अगर आप देखो, सो यू हैव क्लोरीन, सो दिस इज 1-chloro। 2 पे अगर आप देखो, सो दिस इज मिथाइल ग्रुप, सो दिस वुड बी 2-methyl-propane। सो इस तरह इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10, इन द गिवन बिलो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द प्रोडक्ट। अब यहाँ पे दिस इज द रिएक्टेंट, दिस वन इज द प्रोडक्ट। अगर आप देखो, इसकी हाइड्रोजन इस साइड पर अटैच्ड है, इसके हाइड्रोजन अपोजिट साइड पर अटैच है। सो यहाँ पे देखो, ये ब्रोमीन यहाँ से हट गया, यहाँ पे क्या हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो गया। सो इसके अंदर क्या है, 100% ऑपोजिट फ्रॉम कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ये इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। अगर आप ये कॉन्फ़िगरेशन देखते हो रिएक्टेंट के प्रोडक्ट की, वो एक दूसरे से क्या है, टोटली ऑपोजिट होते हैं। कंसीडर
द रिएक्शन गिवन बिलो, आपके पास ये रिएक्शन है ठीक है, जिसमें इथाइल ब्रोमाइड है इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इट गिव्स यू अल्कीन्स प्लस हाइड्रोजन ब्रोमाइड। सो ये आपने बताना है कि ये कौन से रिएक्शन को फॉलो कर रहा है, ये इसको हम यहाँ पे एक्सपेंड करके लिख लेते हैं ठीक है। ये आपके पास यहाँ पे हो जाएगा ब्रोमीन अटैच, यहाँ पे CH3 है तो हम CH3 लगा देते हैं, यहाँ पे H है और यहाँ पे H है ठीक है। अब यहाँ पे होता है क्या है कि जो न्यूक्लियोफाइल है ठीक है, कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा वो इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, रिजल्टेंटली ये जो है ब्रोमीन यहाँ से बाहर निकल जाएगा। जब ब्रोमीन यहाँ से बाहर निकलेगा तो आपके पास क्या बनेगा, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। अगर आप देखो, अगर ये एलिमिनेशन रिएक्शन है सो इसका मतलब है कि इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, E2 मैकेनिज्म इसको फॉलो कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूक्लियोफाइल, इसमें से आपने बताना है कि न्यूक्लियोफाइल कौन सा नहीं है। सो याद रखेंगे BF3 दिस इज नॉट अ न्यूक्लियोफाइल। वजह क्या है, बिकॉज बोरॉन जो है दैट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ठीक है, इसका जो ऑक्टेट है वो कम्प्लीट ही नहीं होता, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, लॉन्ग पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही मौजूद नहीं है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। सो इस वजह से इट कैन नॉट एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। ये अमाइनो ग्रुप की बात करते हो, वाटर की बात करते हो, ये आपके पास मिथाइल ग्रुप है ठीक है। अगर आप इस आयन की बात करते हो, सो दीज ऑल हैव देयर लॉन्ग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन and because of this they can act as a nucleophile, lekin boron trifluoride jo hai BF3 this cannot act as a nucleophile. So this was all about important MCQs from the alkyl halides. If you have any question, any query, you may ask in the comment section. Thanks for watching.